मैं हूँ रिफत नसीम और मेरे साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर आसनसोल स्पॉन्सर्ड बाय अंडर ICALS एडुस्केल प्राइवेट लिमिटेड GR स्कूल ग्लोबल वॉलपेपर 99 एसेट्स बाय सेल रेंट रेसिडेंशियल कमर्शियल एंड प्लॉट्स विंग्स इंफोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट सीसीटीवी सॉल्यूशन उनका फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम तरीन खबरों के कल शाम रहमत नगर अहले सुन्नत जामा मस्जिद कमेटी की जानिब से एक इज्तमाई इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया गया मस्जिद के खतीब व इमाम मोहम्मद इकराम हुसैन और सेक्रेटरी खालिद खान ने ज़्यादा जानकारी देते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया गया है जिसमें तकरीबन 300 लोग शामिल हुए इस मौके पे सरपरस्त सैयद इकबाल हुसैन सैयद निहाल सैयद अफरोज शाहिद परवेज ख़ास तौर से मौजूद थे इंतज़ामिया की जानिब से मोहम्मद तारिक अशरफ खान अबू बश्र और मोहम्मद इकराम पेश रहे करेगा तो हम लोग सारे जिस शख्स ने ईमान के साथ इखलास के साथ सवाब हासिल करने की नीयत से एक रोजा रखा है फिर मौला तेरी ही महबूब का फरमान है के महसूस के सारे फरमा हमें तमाम कबूल रोजा रखने की तौफीक रखी खुदा फरमा इला रमजान मुबारक के तमाम अनवार व बरकात पूरी फरमा इला हमारी ख्वाहिशात की तकमील फरमा मेरे मौला इला हम सबों को सेहत अता फरमा तंदुरुस्ती अता फरमा गैब से मदद अता फरमा इलाहा दोनों जहाँ की भलाइयाँ हम सबों के लिए मुकद्दर फरमा दोनों जहाँ की भलाइयाँ हमारे लिए मुकद्दर फरमा दीन और दुनिया की रुसवाइयों से बचा मेरे मौला इलाहा इस्लाम और मुसलमान ताकतों को नस्त नाम फरमा इला इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमा इला हमारे मसाजिद मदारिस खानकाह उलमा उलमाए बिस्सुन्नत सब की हिफाजत फरमा मेरे मौला इला हम सबों को एक और नेक करते मेरे मौला इला के साथ प्रवास करे मेरे मौला इला हमें इबादत का ज़ौक़ व शौक़ अता फरमा इला हमें रमज़ानुल मुबारक और दीगर मुबारक रातों में इबादत व रियाजत करना हमारे लिए नसीब फरमा मेरे मौला इला अपने आप की तरफ अता फरमा मेरे मौला इला हुजूर सिरात पर आसानी से गुजरने की हमारे लिए अल्लाह अली वसल्लम के मुकद्दस सामने से जाने को सब नसीब फरमा इला हमारे आका के परहेजगारी अता फरमा अल्लाह अपने फल से हमें तक्वा और परहेजगारी अता फरमा बददीनी से बचाए रख मेरे मौला इला हमें जो मजबूर हैं जो हाजतमंद हैं जो ज़रूरतमंद हैं इलाह इनकी हमारी सबकी ज़रूरतों को अपने फ़र्ज से पूरा फरमा मेरे मौला अपने फ़र्ज से पूरा फरमा इलाह बिलखसूस मेरे मौला इखलाक़ कायनात गफ़ार सत्तार गफ़ूर रहीम आकर रब्बे दो जहाँ इलाह बिलखसूस हमें इस बेशर्म दौर में मेरे मौला शर्म हया को ज़िंदा फरमा आज ये इफ्तार हम जितने भी यहाँ के अहले इस्लाम अहले ईमान हैं इनमें से जिसने भी इसमें हिस्सा लिया है अल्लाह तबारक व ताला को बखूब मालूम है बताने की कोई ज़रूरत नहीं है तो हम लोगों ने सोचा कि आपस में महब्बत भी बढ़े लिहाजा रोज़े के इफ्तार का एहतमाम इंतज़ाम किया जाए चूँकि आकाए कायनात की हदीस है कि अगर किसी ने किसी रोज़ादार को इफ्तार कराया एक खजूर से ही या दूध के एक घोंट से ही या ये भी मैसर ना हो तो पानी के एक बूंद से भी अगर किसी ने किसी रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार कराया
तो अल्लाह तबारक व ताला जन्नती फल उसे खिलाएगा, और अगर किसी ने पानी से अफ्तार करवाया तो अल्लाह तबारक व ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह तबारक व ताला हम सबों के रोज़े को कबूल फरमा ले, और जितने भी लोग इसमें शरीक हैं, दामे दिरमे कदमे सुखन जिस तरीके से भी हिस्सा लिया है, अल्लाह हम सब मुसलमानान आलम की मगफरत फरमा दे और आपस की मोहब्बत। हमारा नाम अहकर मोहम्मद इकराम हुसैन, खतीब व इमाम जामे मस्जिद रहमत नगर। अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद खालिद खान, जनरल सेक्रेटरी अहले सुन्नत जामा मस्जिद। ये अहले सुन्नत जामा मस्जिद की तरफ से हर साल की तरह इम साल भी इज्तमाही इफ्तार का हम लोगों ने प्रोग्राम लिया, जिसमें तमामी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, ख़ास करके आपके प्रशासन डिपार्ट के लोगों को भी हम लोगों ने दावत दी है, और पॉलिटिकल लोग भी हैं। ये खालिस समाजी मैंने ये प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने इफ्तार का, ये अहले सुन्नत जामा मस्जिद से इफ्तार का प्रोग्राम लिया है, और हम लोगों ने उसी के बैनर पे दावत दी है ख़ासकर लोगों को, और मोहल्ला के जितने भी लोग हैं उन सबों को हम लोगों ने मदु किया है। और अल्लाह ताला का करम है कि हर साल की तरह इम साल भी बहुत ही जोश और खरोश के साथ प्रोग्राम हुआ, और इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम कामयाबी के साथ हम करा रहे हैं। ये इस प्रोग्राम करीब करीब इसमें 150 लोग हैं, तमामी लोग मिलाकर 150, कुछ मेम्बरान नज़र आते हैं 150 यहाँ, और मस्जिद में करीब करीब 150, मस्जिद में 300 लोगों का प्रोग्राम ये करीब करीब होता है। और यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा जनाजागाह में, ये इस बार बाहर किया गया, आइंदा साल हम लोगों ने गुज़िश्ता साल हम लोगों ने मस्जिद में किया था प्रोग्राम, और इस बार जनाजागाह में प्रोग्राम लिया है, और अल्लाह करम से यहाँ बड़ी बहुत अच्छे से प्रोग्राम हो रहा है, और भी लोग आ ही रहे हैं और प्रोग्राम में शरीक होंगे। यहाँ पे और भी लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के अलावा प्रशासन डिपार्टमेंट के भी लोग भी यहाँ तशरीफ फरमाएंगे। आधी रात में हुए विस्फोट से उड़ी घर की छत। आपको बता दें कि ये मामला कुलटी थाना के सक्तोरिया फाड़ी के तहत वार्ड नंबर 104 का है, जहां शुभम घासी नाम के एक व्यक्ति के घर करीब रात के 2 बजे धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि इस धमाके में किचन की छत उड़ गई है, और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि सामान किस तरह बिखरा पड़ा है, जिससे आप धमाके का अंदाजा लगा सकते हैं। पर इस घर में मौजूद महिलाओं का कहना है कि रसोई में गैस सिलेंडर नहीं था, और उन्हें नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पता कर रही है कि आखिर विस्फोट हुआ कैसे। रात्रे आमरा घुमत छिलो আর ছেলেটা দেরি করে একটু ঘুমায়, 10টার সময় ঘুমাইছে, আমরা সবাই ঘুমাই আছি। এক বেগ অত জোরে ধামাকা হলো, সে আমি ছেলেটাকে নিয়ে বাইরে এলাম, এসে পরে বললাম কি বাবু উঠরে উঠরে ছাতটা পড়ছে। যে বাইরে বেরাচ্ছি দেখছি আমার ঘরটা পুরো ছিচ্ছাতুর হয়ে পড়ে আছে, আমার যা রাখার সমান রাখার জায়গা নাই, যে আমি কোথায় রাখবো, আমাকে কে সাহায্য করবে। পুলিশকে বললো, পুলিশ এলো, ভেরিফাই করলো, আমার ছেলেকে আমার স্বামীকে তুলে নিয়ে গেল। কি আওয়াজ হয়েছিল, কি রকম আওয়াজ ছিল? পুরো একদম যেমন কি বলে বম ফুটে সেই রকম। কি আপনারা মনে করছেন? আমরা কি মনে করব, আমরা তো আমরা ভাবছিলাম ওই আমার ছোট নন্দের যে ঝামেলা হচ্ছে ওর স্বামীর সঙ্গে, ওর স্বামীটা এত বদমাশ আছে, এত বদমাশ আছে, পারবলিয়া বলে একটা আমার ননদ আছে, ওর ছেলেকে এরকমই ফাঁসিয়ে দিয়েছিল ডাইনামাইটের কেসে। তারপরে আমার ছেলেকে 2 বার ধমকি দিয়েছে, আমি ফাঁড়িতে জানাইছি কি স্যার এরকম এরকম ধমকি আসছে মোবাইলে। স্যার বললো ঠিক আছে, কোনো কিছু হলে তাইলে আমাদেরকে ফোন করবেন, কালকে যেয়ে জানাইছি সব বলেছি, এসে দেখেছে, দেখে পরে আমার ছেলেকে আমার স্বামীকে তুলে নিয়ে গেছে। ঘটনাটা কয়টার সময় ঘটে? কালকে রাত্রে 2:20। কোনো কি লোকজন ছিল বাইরে? কেউ ছিল না স্যার, কেউ না, সবাই এখানে ঘুমাই ছিল। আর যে আওয়াজটা হয়েছে আমার পাশের বাড়ি ও জাগন্ত হয়েছে, টিনটা উড়ে চলে গেছে ওদের বাড়িতে। তারপরে ও ওইখান থেকে চিচাচ্ছে, আমি এই দিক থেকে চিচাচ্ছি কে আছে কে আছে, দেখছি কেউ নাই। তখন ও বেরাইলো বিচারা এই দিক থেকে, সবাই আমার আড়াপাড়ার লোকগুলো সবাই বেরিয়ে আমার সঙ্গে ছিল বাইরে। কি নাম আপনার? আমার নাম বেবি ঘাসি।
अगर जॉब की तलाश में आप हो गए हैं परेशान और पाना चाहते हैं एक जॉब 6 या 12 महीने के अंदर, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड लीगल सर्विसेज अंडर ICALS EduSkill प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है आप सभी के लिए फुल टाइम सर्टिफिकेशन कोर्स विद जॉब गारंटी। जी हाँ, IT एंड वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अलावा टेलीप्राइम, GST, इनकम टैक्स, PTAX, TDS, MS Office, SAFICO जैसी कई सारी कोर्सेज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। EMI फैसिलिटी के अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है भांगापाचील, ऑपोजिट ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। अगर आप है परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100 बेडेड IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस विद फास्ट, फ्रेंडली, एक्यूरेट एंड अ हायर लेवल ऑफ केयर फॉर यू। हमारा पता है भगत सिंह मोड, आसनसोल, 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। घर और ऑफिस की सुरक्षा की फिक्र से अब आप हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए विंग्स इंफोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट CCTV सॉल्यूशन। वी सप्लाई, वी इंस्टॉल एंड वी रिपेयर विद गुड सर्विसेज। हमारे यहाँ HP IP कैमरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, बेबी मॉनिटरिंग, फायर अलार्म सिस्टम, वीडियो डोर फोन और भी बहुत कुछ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही हमारे यहाँ आए और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाए। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट आसनसोल बस स्टैंड। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। जमीन खरीदना हो या फिर बेचना हो कॉमर्शियल प्लॉट, घर की करनी हो बिक्री या फिर खरीदना हो कोई टॉप क्लास रेसिडेंशियल प्लॉट, इन सभी कामों के लिए कॉन्टेक्ट करें 1&Only 99 Assets को। इसके अलावा स्पॉट बुकिंग पर आप पा सकते हैं एक्साइटिंग गिफ्ट्स। तो फटाफट नोट करें 99 Assets का एड्रेस, अटन रोड मोड़, आसनसोल। इसके अलावा आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। क्या आप हैं एडवेंचरस, तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितंजन रोड, आसनसोल। फर्स्ट टाइम इन आसनसोल, फुल्ली डिजिटली कोचिंग सेंटर, GR स्कूल, स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट बच्चों की स्मार्ट पसंद, GR स्कूल, जहां क्लास 1 से क्लास 12 तक के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा उच्च तकनीक के माध्यम से सटीक ज्ञान प्रदान कराया जाता है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, हिंदी, इंग्लिश सहित हर विषय की क्लास करें। साथ ही JEE मेंस, JEE एडवांस, WBJEE, JEXPO के क्लासेस भी कराए जाते हैं। हमारे यहाँ कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 7 डेज क्लास, मंथली ग्रांड टेस्ट लिया जाता है। उच्च क्वालिटी की लाइब्रेरी की सुविधा के अलावा सोशल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। तो अपने बच्चों के भविष्य संवारने के लिए आज ही नामांकन कराए। नया बैच जल्द शुरू हो रहा है। GR स्कूल, ADDA KSTP, अपोजिट शुभम पार्क, आसनसोल 2। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट,
वुडन फ्लोर, कॉर्पेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। ग्लोबल वॉलपेपर जहाँ हॉल से दूरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर ना करें, आज ही आए। ग्लोबल वॉलपेपर हॉल से एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, आसुसोर। कॉल करें 9883802437 पर। মঞ্চে উপবিষ্ট হন এবং অর্জুনকে অনুরোধ করবো আমাদের মঞ্চে আসার জন্য। অতি শ্রাবণী বিশ্বাস, কাউন্সিলর, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। পশ্চিম কর্ণধার তাকে আমরা আজকে পেয়েছি। আসানসোলে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল হচ্ছে, আপনারা সকলে জানেন। আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ভাই এবং বোনেরা, তাদের অভিভাবক, ওয়েস্ট ইন্ডিয়া থেকে আগত বন্ধুরা, বিভিন্ন ইএসআই হাসপাতাল থেকে আগত সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং অন্যান্য ইএসআই ডাক্তারবাবুরা, আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাব শ্রী অতনু ভদ্রকে, ইএসআই হসপিটাল আসানসোলের সুপারিনটেন্ডেন্ট, যে আজকের দিনে তিনি ল্যাম্প লাইটিং সেরিমনির আয়োজন করেছেন। প্রতি বছরই ল্যাম্প লাইটিং সেরিমনি আমরা আসানসোল ইএসআই করে থাকি, তবে এবারে প্রথম রবীন্দ্র ভবনে হচ্ছে। আমার খেয়াল আছে গতবার আমরা আইএম হাউসে করেছিলাম, তার আগে ইএসআই এরই কম্পাউন্ডে এই অনুষ্ঠানটা হতো। কিন্তু প্রথম যখন ইএসআই হসপিটাল চালু হয় 40টা ইনটেক সিট ছিল, তো ছাত্রীর সংখ্যা তখন কম থাকত, আর এবারে এটা সেভেন্থ ব্যাচ ল্যাম্প লাইটিং করবে। অর্থাৎ দেখতে দেখতে প্রায় 7টা বছর এই ইএসআই নার্সিং কলেজ সপ্তম বছরে পা দিল। ইএসআই নার্সিং কলেজ করা হবে এটা আমরা যখন আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব দিয়েছিলেন শ্রম দপ্তরের, শ্রম দপ্তরের অধীনে ইএসআই করে আমাদের দুটো জিএনএম কোর্স ইতিমধ্যেই ইএসআই আছে, একটি মানিকতলা এবং একটি শিয়ালদা। কিন্তু বিএসসি নার্সিং আমাদের রাজ্যে কিন্তু ইএসআই এটাই প্রথম, এবং ইএসআই এর আন্ডারে সারা ভারতবর্ষে এটা দ্বিতীয়। ব্যাঙ্গালোরে আছে বিএসসি নার্সিং এবং আসানসোলে আছে বিএসসি নার্সিং, সারা ভারতবর্ষে ইএসআই এ বিএসসি নার্সিং কলেজ কিন্তু আর নেই। 4 বছরের কোর্স, প্রায় অর্ধেক ডাক্তার তৈরি হয়ে যায় যারা এই বিএসসি নার্সিং কোর্সে ভর্তি হন, এবং স্বাভাবিকভাবেই বিএসসি নার্সিং পাস করার পরে যারা পাস করে বেরিয়ে আসে তাদের জন্য চাকরি অপেক্ষা করে, তাদেরকে চাকরির পিছনে দৌড়াতে হয় না। নাইটিঙ্গেলের নামে যে ওথ নিয়ে নার্সিং সেবাতে তারা নিযুক্ত হয়, ডাক্তারদের যেরকম হিপোক্রেটিস ওথ আসে ঠিক সেই রকম এই অনুষ্ঠানটা, এবং সেই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম বর্ষ তাদের নার্সিংয়ে সেবা দেওয়ার প্রতিজ্ঞা নেয় এবং পড়াশোনা কমপ্লিট করার।
তো এই অনুষ্ঠান আজকে রবীন্দ্র ভবনে হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয় মুখ্য অতিথি ছিলেন, ছিলেন অনেক বিশিষ্ট সমাজসেবী, শিক্ষাবিদ এবং অবশ্যই ESI ডিরেক্টরেট যারা কলকাতা থেকে এসেছেন, আমাদের ডিরেক্টর স্যার শ্রী তন্ময় চক্রবর্তী মহাশয়। আমাদের এই কর্মকাণ্ড 7 বছর ধরেই চলছে। নার্সিং কলেজে নতুন বিল্ডিং হয়েছে, সেখানে আমরা এই পড়াশোনা শুরু করেছি। ESI হাসপাতালের একটা নতুন বিল্ডিং আগামী 2-3 মাসের মধ্যে আমাদের হাতে আসবে এবং বাকি যে জায়গাটা আছে সেখানে আমাদের রিজিওনাল বোর্ড থেকে পারমিশন নিয়েছেন মন্ত্রী মহাশয় যে এখানে একটি মেডিকেল কলেজ হবে। আমরা জানি প্রতিটা জেলায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছায় মেডিকেল কলেজ হয়েছে সরকারের। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় কিন্তু একটিও মেডিকেল কলেজ এখন পর্যন্ত নেই এবং হয়তো এটাই প্রথম মেডিকেল কলেজ সরকারের পক্ষ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এখানে তৈরি হবে। মানে এটা তৈরি হলে পরে মানে জানে যেটা বাইরে বাইরে যে স্টুডেন্টরা যেত আর শুধু স্টুডেন্ট না, একটা মেডিকেল কলেজ হওয়া মানে সেই অঞ্চলের পরিষেবায় একটা আমরা বলি কোয়ান্টাম জাম্প হয়। একটা মেডিকেল কলেজে সব রকম চিকিৎসা, আজকে একটা লেভেল পর্যন্ত আমরা চিকিৎসা দিতে পারি কিন্তু তারপরে তো আমাকে রেফার করতে হচ্ছে, এখানে কর্পোরেট হাসপাতালে যেতে হয় এবং সেই হাসপাতালগুলো খুব ভালো পরিষেবা দিচ্ছে আমাদের অঞ্চলে, কিন্তু সেখানে তো আর্থিক একটা ব্যাপার আছে, সবাই সেখানে যেতে পারে না। মেডিকেল কলেজ হলে কিন্তু সেখানে আমরা যে পরিষেবা দিতে পারবো, বর্ধমান মেডিকেল কলেজ যেরকম পরিষেবা দেয় আমাদের, এখন পশ্চিম বর্ধমানে সেই রকম জায়গা কিন্তু তৈরি হতে চলেছে। না না, আমার কোনো প্রতিশ্রুতি নয়, মেডিকেল কলেজ কোথায় হবে না হবে সেই ডিসিশন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নেন। আমি যেটা বললাম যে আসানসোলে আমাদের জমি আছে 29.5 একর জমি আছে, তার মধ্যে 4.5 একরে মাত্র কলেজ এবং ইয়েগুলো আছে। আমাদের একটা রিজিওনাল কমিটি আছে, ESI রিজিওনাল কমিটি, সেই রিজিওনাল কমিটির মিটিংয়ে এই জমিটা মেডিকেল কলেজ যাতে করতে দেওয়া হয় এই ধরনের একটা রেজলিউশন নেওয়া হয়েছে। এমএসসি নার্সিং নিয়েও এমএসসি নার্সিং প্রজেক্টে কি পাইপলাইনে আছে এখন না এখনো? আমরা চেষ্টা করছি,